रांझा रांझा कर दी हुण मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनू दी दो रांझा हीर न आखो कोई। मुरीद की भक्ति उसे ऐसे डुबो दे कि मुरीद और मुर्शिद के बीच का अंतर ही शून्य हो जाए। ऐसी ही सूफियत की नदियां बहती हैं संतों और पीरों के साई वसन शाह दरबार में। सतगुरु साई अमरदास जी के 83वें वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष में और दरवेशों में दरवेश रूहानी रहबर बाबा साई परमानंद जी के चरणों में उनकी पहली वर्षी पर यादों के पुष्प अर्पित करते हुए 19 मई से लेकर 25 मई तक ऐसी ही सूफियत की लहरें आपको भक्ति भाव में डुबो देंगी। उन्नीस मई को हाजरा हुजूर गादी नशीन साईं काली राम जी श्रीमद भागवत महाग्रंथ को अपने मस्तक पर धारण कर संगत के साथ पावन कलश यात्रा में दरबार साहिब की परिक्रमा करेंगे, जिसके पश्चात 19 मई से 25 मई तक रोज शाम 5 बजे से 9 बजे तक देवी चित्रलेखा जी अपनी अमृत वाणी से भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान दर्शन करवाएंगी। बीस मई के दिन सुबह 11 बजे से भक्तजन नव निर्माण किए गए देवड़ी साहिब के दर्शन तथा आशीर्वाद ले सकते हैं। साथ ही साथ सभी संत महापुरुषों की समाधि के साथ दरवेशों में दरवेश रूहानी रहबर बाबा साईं परमानंद साहिब जी की भी समाधि स्थापना की जाएगी। बाईस मई के दिन SVS भवन का भूमि पूजन संतों महापुरुषों दरवेशों और ब्राह्मणों के साथ गादी नशीन साईं काली राम जी के हाथों किया जाएगा। भक्तों को भक्ति भाव में मंत्र मुग्ध करने वाले भजन कीर्तन का कार्यक्रम हर रोज रात 9 बजे से प्रारंभ होगा। इस ज्ञान सप्ताह में भक्तों में सेवा और सिमरन का भाव जगाते हुए 23 मई के दिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब का शुभ आरंभ दोपहर 2 बजे किया जाएगा और 25 मई सुबह 9 बजे महायज्ञ 1:13 पर दुआ साहिब के पश्चात दोपहर 2 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब का भोग साफ किया जाएगा। उसके बाद ब्राह्मण भोज सेवा तथा श्रद्धालुओं के लिए लंगर प्रसाद की सेवा की जाएगी। शाम 5 बजे श्रीमद् भागवत की कथा के पश्चात पूर्ण आहुति अर्पित की जाएगी। 26 मई सुबह 4 बजे हुजूरी रूप गादी नशीन बाबा साईं काली राम जी के श्री मुख से आशीर्वचन और पलव साहिब होगा। सभी श्रद्धालु 19 मई से 25 मई तक के इस वर्षीय महोत्सव में शामिल होकर साईं जनों की अपार कृपा और आशीर्वाद हासिल करके अपना जीवन सफल बनाएं।